तो प्रस्तुत है आपके समक्ष राम चरितमानस का एक अद्भुत व्यक्तित्व जो भक्ति रस के प्रवाह में आपको ले जाएगा, भक्तिमती शब्द। भगवान श्री राम का अवतार यदि निर्बलों को शक्तिशाली और दीन दुखियारों को निर्भय बनाने के लिए हुआ तो यह अतिशयोक्ति नहीं। वनवास को प्रभु श्री राम ने दंड के रूप में नहीं बल्कि वनवासियों के उत्थान के लिए एक अवसर के रूप में ग्रहण किया। उनका यह कार्य श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलते ही आरंभ हो गया। श्री राम निषादों से मिले, कुल की रातों से मिले, वानरों रीछों से मिले, सबको प्रतिष्ठा दी, सबको सबल किया, अपनी शक्ति पहचानने के लिए प्रेरित किया, अपने जीवन के माध्यम से उन्हें संस्कारित किया, युद्ध कौशल में उन्हें प्रवीण किया, संगठन की शक्ति से परिचय कराया और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वनवासियों को आतंक से मुक्त कराने के बाद उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता से छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें अपने राज्य के अधीन नहीं किया। राम राज्य का अर्थ ही है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वनवासी सच्चरित्र हो, निर्भीक हो और अपने दायित्व बोध के साथ स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करे। आज की लीला है भक्तिमती शबरी। संत हृदया धीरनी शबरी अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में गुजारती है और जब प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री राम ही उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहे हों। आइए भक्तिमती शबरी के साथ हम भी जीवन को सफल सुंदर बनाने वाली श्री राम भक्ति धारा का रस लें। लीला भक्तिमती शबरी। प्रसंग को गाऊं
मारुति नंदन हो सहाय कर जोरी के शीश झुका। इसका अर्थ है भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। तो फिर बाबा प्रश्न उठता है कि बाबा भगवान बड़े हैं या उनके भक्त? हाँ पुत्र, यह तो तुम्हारे ये वाल्मीकि बाबा भी नहीं जानते। प्रभु की महिमा बहुत निराली, श्री राम की महिमा बहुत निराली। भाषे वेद पुराण भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान।
के बस में है भगवान। भक्ति भाव में लीन रहे जो, भक्ति भाव में लीन रहे जो, करते उसे महान। भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान, भक्ति के बस में है भगवान। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, प्रभु धरती पर आए। जब जब भीड़ पड़ी बढ़ाने के हित लीला जब दिखाए, भक्त के आगे झुके सदा ही, भक्त के आगे झुके सदा ही, राखे उसका मान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। प्रेम के बिना दूरी कह गए दास कबीर। ज्ञान भक्ति को जीता संबर तगड़ी छेर कुबीर। जब तक भक्त रहेंगे जग में, जब तक भक्त रहेंगे जग में, आएंगे भगवान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। एक भक्त थी त्रेता युग में, फिर जपती हरि नाम। एक भक्त थी त्रेता युग में, फिर जपती हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में जा पहुंची श्री धाम। शबरी माँ की भक्ति देखिए, सुनिए ये आका। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। तो मेरे बच्चों, आज हम प्रभु श्री राम के एक ऐसे ही महान भक्त की लीला देखेंगे जिसके सामने प्रभु स्वयं झुक गए, जिसको प्रभु जानते ही नहीं थे कौन है, किस लिए भक्ति कर रही है, क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो मुझसे, कुछ नहीं जानते थे। परंतु वह ऐसी भक्त निकली कि अपनी निश्चल निस्वार्थ भक्ति से ऐसा कीर्तिमान रच दिया कि कोई भी आज तक उसकी बराबरी नहीं कर सका। माता शबरी। माता शबरी, वो कौन है बाबा? जानना चाहते हो तो सुनो। Thank you.
बड़ी राजा से बोली फिर रानी, शबरी के आचरण में ये गुण सहज ही साकार हुए। Thank you.
पूछे शबरी माई से, काहे अपना सजा है घर द्वार। शबरी के विधवा, शबरी के शबरी के विधवा, शबरी के विधवा।
अंतर मन आहत होकर कर उठा करुण क्रंदन आकार मचा मन में खोल दिए सब बंधन अंतर मन आहत होकर करुणा करुणा देंगे कौन प्रभु कभी
कोई सोच नहीं पाया कौन है प्रभु, वही जिसने नदी वृक्ष गिरी सिंधु को निर्माया कौन प्रभु, कब दर्शन देंगे कौन प्रभु। विवाह के लिए नहीं बनी तुम अभय करो इतवासा, पाओगी तुम प्रभु के दर्शन मन में रखो ये विश्वासा, कौन प्रभु कभी सोच नहीं पाया कौन प्रभु। तुम निर्भय होकर यहाँ निवास करो, तुम्हें एक दिन साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे। हमें? हाँ हाँ तुम्हें, पुत्र रूप में स्वयं भगवान श्री राम तुमसे मिलने आएंगे। कौन श्री राम? मैं इनको नहीं जानती। जान जाओगी, आज से तुम मेरी पुत्री तो होगी, मेरी शिष्या भी होगी। दर्शन मिलने वाला Thank you.
क्या कर रहे हैं? ध्यान में बैठने जा रहा हूँ। वो तो हम भी देख रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या आपको आभास नहीं है कि मुनियों में आपका कितना अपयश हो रहा है? अपयश? मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया? आप एक युवा भील कन्या को अपने आश्रम में रखे हुए हैं। हाँ, अवश्य रखे हुए हूँ, क्योंकि वह मेरी शिष्या है। मात्र 6 वर्ष की थी तब से यहाँ है। महोदय, आपके और संपूर्ण मुनि समाज के लिए यही अच्छा होगा कि आप उसे तुरंत यहाँ से निकाल दें। ना बोलो तपिगण एक बार, मन में करो विचार, श्री राम भक्त के जीवन का बस यही है सार। ना तो जाति धर्म वर्ण में यार नारी पुरुष का भेद, भक्ति में सबका अधिकार है, शास्त्र का ये लेख। किंतु मुनिवर, भीलनी अब हो गई युवा, युवा शबरी को आश्रम में अब न दीजिए सेवा। बिल्कुल, बोध थी तब से बनी वो पुत्री हमारी, ना जाने युवा कब हुई, अब है वो शिष्या हमारी। मुझसे बड़ी संत महात्मा वो भी पवित्र माती, आश्रम की है ये शोभा योग्य रत्न की भांति। शबरी तुम मेरे पास ही रहो, करो साधना, सेवा भक्ति को अपनाओ, तुम पाओ श्री राम धन। कोटि कोटि प्रणाम, अभय आश्रय दे करके मुझे बनाया महान। आज से हम लोग सरोवर के जल का उपयोग नहीं करेंगे, जल तुम्हें दूर से लाना पड़ेगा। ला सकोगी बेटी? आत्मा शुद्ध नित्य अविनाशी, कहे वेद वेद ज्ञानी, जन्म मरण केवल शरीर सकते न इसको भिगा सके न पानी, जलाना पाती इसको पवन से ना कोई हानि। आत्मा चेतन जड़ शरीर दो करे मिटाए, जड़ चेतन तक पाता है और चेतन रे जड़ताई। गुरुजी क्या हुआ आपको? शबरी तुम भक्त महापुण्यवती, श्री राम जी के ध्यान में अटल तेरी भक्ति, तेरी निशन सेवा भक्ति और भजन में, देखो राम माया सब है तपोवन में। अयोध्या नरेश दशरथ सुता
लेकर पीतु सत्य आ गए हैं मन में संग भाई लक्ष्मण वो करुणा सिंधु त्रिभुवन मोहन देंगे वो दर्शन तब होगा सफल धन्य तेरा जीवन। पुत्री शबरी अब मेरे जाने का समय आ गया है। बाबा नहीं बाबा, आपके जाने के बाद हम भी इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। अब हमें भी शरीर छोड़ने की अनुमति दे बाबा। नहीं शबरी, अभी तुम्हारे शरीर त्याग का समय नहीं आया है। बाबा श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम सीता राम कहते कहते मुनि ने त्यागा जीवन ऐसे thank you.
हरी किनारे पर्ण कुटी में जहाँ अवधपति है श्री राम पधारे प्रभु श्री राम पधारे। रावण ने माया कर सीता हरण की तैयारी स्वर्ण मृग बन आ पहुंचा मारीच महाछलकारी मारीच महाछलकारी। तुम्हारे लिए ला दूंगा लक्ष्मण। ओ लक्ष्मण तुम यहां सीता को सुरक्षित रखो, मैं इस स्वर्ण मृग को लाने जा रहा हूं। जो आज्ञा प्रताप। राक्षस की माया होगी। ओह, बंद करो, बंद करो तुम्हारा ये उद्देश्य वाक्य। माते, मन में क्या सोचकर वन में आए हो? देख तुम्हारे जीवन, सत देख तुम्हारी वीरता को। ना माते ना। हे स्वामी, अगर आपको कुछ हो गया, तो मैं अग्नि में अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ना माता ना, भ्राता का आदेश था आपको सुरक्षित रखने का, इसीलिए मैं समझाता था। अब आपकी आज्ञा से मैं भ्राता के पास जा रहा हूं। कृपया मेरी ये रेखाएं आप उल्लंघन न करें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हे दशद्रुपा, हे वनगिरी लता, हे धर्म देवता, आप सब साक्षी हैं, इसमें मेरा तनिक भी अपराध नहीं है। माता सीता की रक्षा करना, मैं
भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि बम बम हर हर महादेव बम बम हर हर महादेव भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि रावण प्रकट हुआ साधु रूप धारी भिक्षां देहि बोले आके कुटिया के भरी मातेश्वरी हो भिक्षा दे दो जाऊं निज हमारी भिक्षा दे तेरे परे खरड़ा जोगी प्रभु तुझे सुखी राखे लाखे ले दो दी ये आशीष हो ये आशीष हो भिक्षा ना दे तो लाखों उपवास हो सुनी सीता मैया भिक्षा लेके द्वारे आई मुझे बंधी भिक्षा न चाहिए दे दो यही ले आशीष हो ले आशीष हो ना दे तो रखूंगा उपवास हो भिक्षा पात्र लेके सीता मैया बाहर आई अनजाने में लक्ष्मण रेखा उन्होंने लंघाई माया राम मैं ले जाता हूं मैं लंकापति रावण हूं अपनी पटरानी तुझे बनाता हूं बचाओ बचाओ स्वामी स्वामी लक्ष्मण लक्ष्मण कोई मेरी रक्षा कर अरे ये तो श्री राम की पत्नी सीता है उन्हें कहां लिए जा रहा है पुत्री सीते डरो मत मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा घबराना मत रे दुष्ट पापी ठहर जा तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता बलिदानी आज होगा मेरा ये हित राज का
को सूझ गया, फिर भी उपकार है तुम्हारे हाथ से जाकर जूझ गया। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से जानकी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उसका विमान गया है, अवश्य ही वो उन्हें लंका ले गया होगा। पुत्री सीता विलाप कर रही थी प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही ये प्राण रुके हुए थे, अब अनुमति दीजिए। हे राम हे राम राम। गीत दे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, शामगात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नय परिवार। हे अगणित गुणशाली स्वामी, अप्रमेय प्रभु अंतर्यामी, जग के आदि मध्य लाए कारण, शांत स्वरूप नमो जगतारण। करुणा सिंधु मुनिन सुख धामा, तुम ही हे रामा।
जुटाया है। मृत जटायु की काया को रख के आग लगाया चले बिलोकत बन बहुता। सिय को खोजत फिरे बन में राम लखन दो भाई। तभी अचानक अति भयदायक राक्षस पड़ा दिखाई। देख लखन को बड़े जोर से अट्टहासी जब की लखन दोनों को उसने कर लीना। भगा खींचने मुख के अंदर आए नहीं रघुराई। भगा खींचने मुख के अंदर आए नहीं रघुराई। खटक धार से गो बुझाए हमें कटी गिराई। जपौ राम तारक सदा। राम राम श्री राम। राम आप परमात्मा। बसहु हृदय सुख धाम। करी कबंध उद्धार तब तजे राम वह ठार। लखन सहित प्रभु चल दिए शबरी आश्रम। और घर शबरी माता का क्या हुआ? शबरी माता प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रभु श्री राम। रामा रामा
है शबरी भीलनी की जाय भजन भाव कब नहीं पाई राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन मैंने पाई चरण कमल मुझको भूल गई क्या लुटा सी खबरी
शबरी मीरा खावी भोर से भरे आई दो नायना। वचन ना आए मुख में वो बार बार रूप निहारे, पद पंकज में गिर प्रणाम कर गुरु वाणी सुनले। मधुर सुंदर हसत श्री राम श्री रघुनंदन, अति कृत होए शबरी बिठाले दिव्य आसन। जल पात्र लेके प्रभु जी के पद पानी पखारे, प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले वो माथे लगाए। पैर पोछ अपने वसन से गले माला पहनाए, पूजा थाली हाथ ले करके वो आरती गाए। शुभ शंख ध्वनि बजाई प्रणाम करे बार बार, फल कंद मूल सेवन के लिए दिए उपहार। चिन्ह बारी श्री राम ने खाए अति स्नेह में, फल चुन कर नी बारी दंत चिन्ह नहीं जानी में। बहुत मीठे इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। मां और दोनों रसवेद बखाना, हरि पद रति रसवेद बखाना। खाई रहे बेर रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई, चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे, खाओ और लक्ष्मण भाई। खाई रहे रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे रघुराई, मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव, शबरी जन्म फले दाई। खाई रहे बेर रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई, अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे चार बेर खिलाकर भी बांध लिया, अपना लिया।
को दीनी बढ़ाई प्रभु बंधे बंधन में आए बसन को दीनी बढ़ाई प्रभु बंधे बंधन बंधे बंधन में आए बतन को दीनी बढ़ाई प्रभु बंधे बंधन में आए पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज भी यहाँ शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं प्रभु। कितने भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अति ही गवार और बुद्धिहीन नारी हैं। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें स्वीकार करूं मैं हे माता। माता आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूँ। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं। माता स्तुति बुरी बात नहीं है, स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो यानी बिना किसी स्वार्थ के हो, उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु। जानता हूं माता, तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग, और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम, और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा,
और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दें और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए इत आई हम दरस आपकाली, दरस आपकाली। ये सब की सब भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूं। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना, एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। तब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपासर की यात्रा कीजिए, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त
हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी प्रभु। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। कुछ था ज्ञान करते जप तप और ध्यान हिलनी से की पुण्य बात हे रघुराई इसको न था कुछ ज्ञान रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई मुनि सुतीक्ष्ण को प्रणाम। भाग्यशाली हो प्रभु जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं भी मुनिवर। बहुत ही सुंदर सरोवर है। हाँ प्रभु, परंतु जल बहुत ही दूषित है, किसी काम का नहीं। प्रभु आप इस सरोवर को पवित्र कर दीजिए, हमें जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों दूषित सरजल हुआ सोचे श्री भगवान, कहीं हुआ तो है नहीं माता का अपमान। मुनिगण, क्या कभी आपने इस सरोवर में शबरी माता को स्नान करने के लिए मना किया था? हाँ प्रभु, शबरी भीलनी है, इस कारण इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती। क्यों, ये किसने विधान बना दिया कि एक भीलनी आम सरोवर में स्नान नहीं कर सकती? बताइए किस नियम विधान में ऐसा लिखा है? प्रभु, शबरी के स्नान से सरोवर भ्रष्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वो किसी के लिए उपयोगी नहीं रहा। ये सब इनके स्नान करने से नहीं, आप सबकी दूषित भावनाओं से हुआ है, शबरी माता के हृदय को दुख पहुंचाने से हुआ है। बहुत अनुचित किया आप लोगों ने, आपने ऐसा पाप किया है जिसका निवारण मैं नहीं कर सकता। इस सरोवर के जल को मैं स्वच्छ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। ये काम केवल माता शबरी ही कर सकती है। क्षमा मांगते हुए माता शबरी से विनय करिए, यदि वे चलकर इस जल का स्पर्श करेंगी
तो निश्चय ही जल स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है प्रभु, लज्जित है हम। महायोगिनी शबरी जी, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। ज्ञान के अभिजात ने हमें अंधा कर दिया था, क्या आप हमें क्षमा कर सकती हैं? माता, ये सब आपके बच्चे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ऋषि मुनियों को क्षमा करने को चल दी शबरी माई, प्रभु का सुमिरन कर जल में पग को दिया डुबाई, पग को दिया डुबाई। पांव छुअत ही उस सरोवर का निर्मल हो गया पानी, राम लखन संग ऋषि मुनियन के नैनन नीर समानी। प्रभु, गुरुदेव ने कहा था प्रभु के दर्शन पाने के बाद तुम भी मेरे पास चली आना शबरी। आपके दर्शन मिले मेरा जीवन सफल हो गया राम, सफल हो गया। अब मैं अपने गुरुदेव के पास जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। हे राम, हे राम, हे राम। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। तपसी का धरा कीने कानन वास, दूर कर तपसी शबरी का संतास। वनवासी शबरी रही स्वयं वनवासी राम, नव धा भक्ति बता दे दिए अपनों धाम। रामायण गाथा जयती, जय 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 श्री राम। जय हो मां शबरी अमर, रहे जग में राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शबरी मैया तुम्हें प्रणाम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक भक्त थी त्रेता युग में, थी जपति हरि नाम। एक भक्त थी त्रेता युग में, थी जपति हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में जा पहुंची श्री धाम। शबरी माँ की भक्ति देखिए, सुनिए Siya Ram, Jai Jai Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram।
से एक बार उसने आपका अभिभूत भी किया होगा और एक सामाजिक समरसता के वातावरण का निर्माण किया। जिन कलाकारों ने इस मंच पर पात्रों को जीवंत किया है, आप सबसे प्रार्थना है कि उन कलाकारों से परिचित होकर जाइएगा, जरा कुछ समय और दीजिएगा। सागर, युवा मदन मुनि और साधु की भूमिका में आपके समक्ष हूं। कलाकारों से आग्रह है, कृपया एक एक करके आइएगा। सागर, युवा मदन मुनि और साधु की भूमिका में आपके समक्ष कर्तव्य ध्वनि के साथ इस कलाकार का अभिनंदन। पंकज शर्मा श्री राम के उस अनुभव चरित्र को यहां पर जीवन कर रहे थे। उमंग शर्मा हनुमान जी, वीर जाति का राजा और रावण, ये तीनों ही भूमिका में आपके समक्ष थे। सिमरन भील नर्तक, तुषांत लक्ष्मण की भूमिका में, ऋषभ कुश के चरित्र में, मयंक साधु हिरण और कसाई के रूप में आपके समक्ष, अभिषेक नक शेर भील नर्तक और रीच और गरु के रूप में, अजीम जटाई और पत्नी के स्वरूप में आपके समक्ष, रौनक भील नर्तक, आयुषी नटी भी नृत्य की और बूढ़ी सभी के रूप में, शाम्या सीता और शबरी की माता के स्वरूप में आपके साथ ग्रहण होते थे। सो बहुत ही तन्मयता के साथ गुरु वाल्मीकि की भूमिका में आपके साथ। अंकित गुरु मदन साधु और भीम नृत्य, खुशी भीम नृत्यकी, कृष कुश, रितेश मारीच राजा साधु और भील नर्तक के रूप में आपके समक्ष, आशना छोटी शबरी, मयंक धाकर साधु और राजा के किरदार में आपके समक्ष, जुगल बंदर की भूमिका में आपके समक्ष थे, प्रखर साधु रावण सूत्रधार साधु नाग भील और नर्तक, ये तमाम सारी भूमिका एक साथ इस मंच पर अभिनीत कर रहे थे, और दीपा रानी युवा शबरी और इस नृत्य नाटिका की निर्देशिका जिनकी परिकल्पना ने आपको अभिभूत किया है, सुश्री गीतांजलि गीत विभाग, अभिनंदन। इसका लेखन किया था श्री योगेश त्रिपाठी ने और संगीत मिलिंद त्रिवेदी का था। इसके अतिरिक्त संगीत जाह्नवी पाटीदार, मंच को प्रकाशित कर रहे थे हमारे वरिष्ठ कलाकार श्री संजय अरोरा जी, मंच व्यवस्था गीतांजलि जी की सुपुत्र और सुपुत्री जाह्नवी कृष्णा और अनेरी और साथ में अभिषेक, रूप सच्चा यानी मेकअप के मेकअप किरदारों को बिल्कुल उनके उस स्वरूप में आपके समक्ष लाने का बहुत ही एक समर्पित प्रयास किया वरिष्ठ रंगकर्मी श्री प्रमोद पदकी। तो इस पूरे वातावरण को सभीमय और राममय बनाया है और ये एक विनम्र प्रयास था मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, नगर प्रशासन और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का, जो आपके समक्ष दो दिवसीय इस वनवासी लीलाओं का मंचन, जिसमें आज भक्तिमती सबरी का आपने आनंद लिया और कल निषाद राज वह का आप यहाँ पर स्वरूप देखेंगे, उसकी लीला देखेंगे, जिसका निर्देशन किया है राजा मान सिंह तोमर संगीतम कला विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी। तो आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है आपसे कि कल भी
आइएगा और वही जो सामाजिक समरसता जिसकी अभाव हम लोग निरंतर अनुभव कर रहे हैं उसका एक जीवन स्वरूप यहाँ पर आप देखिएगा। और ये प्रयास संस्कृति विभाग का हमेशा रहता है कि कला साधकों को और विभिन्न कलाओं को आपके समक्ष लाने का, और आपका प्रोत्साहन निश्चित ही उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल रहता है। नमस्कार, शुभरात्रि, आभार आप सभी का, आभार आप प्रबुद्ध जन जो आए अपनी मसरूफियत से समय निकालकर, ग्वालियर के जो सजग प्रहरी हैं यानी कि हमारा प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सब का, और आभार हृदय से जीवाजी विश्वविद्यालय का, विशेष रूप से अधिष्ठाता जो हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय द्विवेदी जी का, ये जिनके सौजन्य से ये सभागार हमें प्राप्त हुआ है। पुनः आप सबका आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि।